ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमने पिछले महीने में जुलाई मास में जितनी भी मुरलियाँ स्टडी की उसका रिवीजन करेंगे, और उसका रिवीजन करने का पर्पस है एक्सपीरियंस के लेवल पे। कितनी बातें हमारे मन में गहराई से समा गई हैं और कितना गहराई से उसका अभ्यास हमने किया है। तो जिन्होंने भी मुरली सुनते समय लास्ट मंथ में नोट्स बनाए हैं वो अपने पास रख सकते हैं, उसकी हेल्प भी लेंगे और जितना जितना याद है उसको भी याद करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वरदान से, जुलाई मंथ का पहला वरदान यानी 1 जुलाई का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते जाते हैं और पिछली पढ़ाई भूलते जाते हैं, तो ऐसा ना हो। तो हमारा पहला वरदान था, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। हम वरदानों को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सफलता के सूत्र हैं। मतलब कि बाबा ने कुछ एक हमें ऐसा सीक्रेट फार्मूला दिया है कि उसको अगर हम डीकोड कर लें और समझ लें और अप्लाई कर लें तो एक ब्रेक थ्रू हमें मिल सकता है, एक सक्सेस हमें मिल सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। तो इस वरदान को सुनने से, जब आपने ये सुना होगा 1 जुलाई को, तो आपने इसके अभ्यास भी किया होगा पूरे दिन, तो कुछ आपको डीप एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, या पूरे मंथ में कोई ऐसी बात आई होगी, तो आप में से जो भी शेयर करना चाहेंगे या तो आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या आप अगर बोल के शेयर करना चाहते हैं तो यू विल जस्ट रेज योर हैंड एंड वी विल अनम्यूट यू। आप अपना हाथ उठाएंगे और अनम्यूट कर दिया जाएगा आपको। तो इस बात को आपने कैसे अप्लाई किया, या आप ऐसे कैसे समझते हैं कि त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता मिलने का क्या कनेक्शन है? कोई शेयर करना चाहेंगे? बाबा ने इसी वरदान में बताया है तपस्या का मीनिंग क्या है। तो आप सभी क्या समझते हैं तपस्या का क्या मीनिंग है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं 1 लाइन में? ओके। ओम शांति भाई जी। बाबा ने एक मुरली में कहा था, तपस्या माना एकाग्रता, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही तपस्या है। ओम शांति। जी, वो चैट बॉक्स में आंसर आए हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई, साधना या मैंपन का त्याग, निरंतर अभ्यास, डूइंग पुरुषार्थ सीवियरली, स्वयं परिवर्तन, मैं और मेरा बाबा। तो निरंतर एक बाप दूसरा ना कोई, इस बात की अनुभूति होना, ये तपस्या बाबा कहते हैं। तपस्या मीन्स एक बाप दूसरा ना कोई, निरंतर ये स्थिति। सेकंड वरदान पे चलते हैं, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ये थोड़ा डीप है,
साक्षीपन की स्थिति और हीरो पार्ट बजाने का क्या कनेक्शन है, और अगर हमें हीरो पार्ट बजाना है तो उसके लिए साक्षीपन की स्थिति को हम कैसे यूज करें और इसका क्या मीनिंग है। तो आप में से जिन भाई बहनों ने इसका अभ्यास किया है, अनुभव किया है, तो वो शेयर करेंगे। ओम शांति भाई जी। कोशिश तो किया था प्रैक्टिस करने का, लेकिन ये पूरे दिन चल नहीं पाया था। लेकिन ज्ञान के स्तर पे ये समझ आता है कि यदि हम साक्षी दृष्टा होकर काम करेंगे, जो हमारे सामने है घर के सदस्य या ऑफिस के लोग, उनको ना देखते हुए सिर्फ हम अपने रोल पे फोकस करेंगे, तभी हम हीरो पार्टधारी बन पाएंगे। यदि हमने दूसरे के रोल को देखा तो निश्चित रूप में हमारा रोल कुछ न कुछ डिफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा होकर करेंगे तो ही हम हीरो पार्टधारी बन पाएंगे। ओम शांति। ओके, थैंक यू। ओम शांति। साक्षी बन बन मींस ड्रामा ड्रामा निश्चय कर कर साक्षी में देखना है किसी प्रॉब्लम को, ड्रामा है कर कर देखना है। आर यू हियरिंग? हेलो। ओम जी रेनू बहन। ओम शांति भाई जी। साक्षीपन से मतलब हम न्यारा और प्यारा, मतलब जैसे अभी बात भी हुई थी ड्रामा। ओके, जो भी भाई बहन ऑडियो से शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना है जरूर। पहली बात, आप ऑडियो से जब भी शेयर करें जब आपका बैकग्राउंड नॉइस फ्री हो, प्लस जब आप शेयर करते हैं तो आपका माइक आपके मुंह के पास रहना चाहिए ताकि क्लियर आवाज आए। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे सबको हेल्प मिलेगी। तो बाकी भाई बहन सोच रहे होंगे कि हाँ, साक्षीपन की स्थिति कैसे हमें हीरो पार्ट बजाने में हेल्प करती है। तो आप शेयर नहीं भी कर रहे हैं तो लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गो डीपर एंड कंसोलिडेट दिस अभ्यास, कि अगर जैसे जैसे हमारे साक्षीपन की स्थिति बढ़ती जाएगी तो क्यों, कैसे वो हीरो पार्ट बजाने में हेल्प करेगी। हीरो की ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो साक्षीपन की स्थिति से आ सकती है? ओम शांति। तो जैसे साक्षी हम तभी हो सकते हैं जब हमें ज्ञान हो कि ये ड्रामा चल रहा है, ये एक रिकॉर्डिंग है, स्टोरी है। और साक्षी होंगे तो हमारे जो सिचुएशन है और जो आत्माएं हैं उनके लिए संकल्प नहीं चलेंगे, और जो बेस्ट ऑप्शन होगा हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू बाबाज ज्ञान। उसमें हमारा रिएक्शन नहीं होगा, जो बाबा ने हमें पढ़ाया हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। ओम शांति जी। ओम शांति भाई जी। इसमें मेरे को ये लगता है कि जब हम साक्षी दृष्टा होते हैं तो जिसका भी जैसा भी पार्ट होता है हम उसे साक्षी होकर देखते हैं कि वो अपना पार्ट बिल्कुल बेस्ट कर रहा है, वो भी क्योंकि वो भी उस फिल्म का, बाबा की फिल्म का, तब वो भी हीरो है। वो कैसा कौन सा हीरो है ये बाबा को पता है, लेकिन मेन हीरो हम है। हम उस पार्ट को, उसके पार्ट को देखते हुए हम सिर्फ साक्षी रहते हैं। ये है साक्षी रिश्ता जो हमें न्यारा और प्यारा बना देता है। ओम शांति भाई जी। जी श्वेता बहन। ओम शांति भाई जी। हमें ऐसा लगता है कि जो बाबा की स्थिति है वो साक्षी स्थिति है ना। तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात जिस स्थिति पर बाबा इस ड्रामा को देख रहा है, उसी स्थिति से मैं आत्मा इस ड्रामा को देख रही हूँ। जैसे बाबा साक्षी होकर इस ड्रामा को, हर बच्चे के पार्ट को, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, हर बच्चे के पार्ट को देखता है, उसमें
वो कभी इंटरफेयर नहीं करता उस बच्चे के पार्ट में ना, तो वो चीज हमें त्रिकालदर्शी बनाती है। बाबा क्यों त्रिकालदर्शी है बाबा? क्योंकि वो सदा ऊपर रहकर हर बच्चे के पार्ट को जानता है। वो जानता है कहाँ किसका सही है, कौन गलत है, किसका हिसाब किताब किससे है। तो जब हम बाप दादा की सीट पर बैठे हैं ना, आज बाबा ने जैसे अव्यक्त मूल्य में कहा था कि दिल तक तो नशी आत्माएं आप हो, मतलब बाबा की सीट पर सेट हूं अगर मैं आत्मा, तो वही साक्ष्य स्थिति है। और अगर उस सीट पर बैठकर मैं इस रोल को प्ले कर रही हूं, तो ऑटोमेटिकली मैं आत्मा हीरो पार्ट बजाती हूँ। ओम शांति जी, बहुत ही अच्छा इनसाइट्स हैं, थैंक यू। ओम शांति। तो जैसे साक्षीपन की स्थिति है, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि धर्म जीवन में हमें डेली ही पूरी दिनचर्या में कोई ना कोई पेपर का सामना करना ही पड़ता है। वो चाहे परिस्थिति, चाहे तो यात्रा के द्वारा आए या कैसे भी आए, या एक शरीर का भोग भी कह सकते हैं। तो जो हमें साक्षी होना होता है वो अपने संकल्पों में ही होना होता है, कि हमारे संकल्पों में ही व्यर्थ नहीं चले क्या क्यों कैसे, हम उस सीन को देखते रहें। क्योंकि बाबा ने हमें बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया हुआ है, नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी है, और जो भी हो रहा है उससे हमारा हिसाब किताब खत्म हो रहा है। तो हम व्यर्थ संकल्प चला करके हिसाब किताब आगे और ना बढ़ा के खत्म करने की दृष्टि से भी, और हमें जो तीर्थ जन्मों के संस्कार हैं वो हमें छोटे से जन्म में ही पूरे करने, तो इस बातों को रिमाइंड रखते हुए कोई भी संकल्प हमें कल्याण नहीं भी दिख रहा है, लेकिन हम संकल्प व्यर्थ ना चलाकर बाबा के साथ ही कनेक्ट रहें और उस सीन को खाली देखते रहें। क्योंकि दादी जानकी का महावाक्य था कि जो आएगा उसको जाएगा, तो हम उसके जाने का वेट करते रहें तो हमें कल्याण जरूर दिखता है, और वो तभी दिखता है जब हम संकल्प में साक्षी हो जाते हैं। ओम शांति। ओके, ओम शांति भाई जी। साक्षीपन का अर्थ जो है, बाबा ने जो कहा उस दिन कहा, वो है देह से न्यारा और अधिकारीपन, मैं मालिकपन का जो सिट है उस पर सेट रहना। उसमें अगर सेट रहते हैं तो साक्षी होकर देह से जो कर्म कराते वो भी देखते रहेंगे, तो कुछ भी मुझे छुएगा नहीं। तो ये मालिकपन जब तक ना आएगा, अधिक मतलब मैं मालिक हूँ आत्मा, तब तक साक्षी होकर कुछ भी ठीक से हम देख नहीं पाते हैं, और देख नहीं पाते हैं तो फिर उसका एनालिसिस भी ठीक से शायद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन आ जाती है। लेकिन अलग हो जाते न्यारा होकर मालिकपन की स्थिति में, तो हम कोई भी मुश्किलात आती है या तो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम आराम से पार कर सकते हैं, कोई भी विघ्न आता है तो आराम से पार कर सकते हैं। ओम शांति। ओके, तो बाकी सभी भाई बहन कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनडायरेक्टली? कि आप डेट वाइज जो भी वरदान आ रहा है, जैसे साक्षीपन की स्थिति आई, तो साक्षीपन की स्थिति में आप अपने आप को 1 से लेकर 10 तक क्या रेटिंग करेंगे पूरे मंथ में जुलाई में? तो क्या रेटिंग करेंगे 1 से लेकर 10 तक, कितना स्कोरिंग करेंगे, कितने साक्षी रहे लास्ट मंथ अब तक? और आप चाहें तो अपनी रेटिंग ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, ठीक है, इसी तरह से अपनी रेटिंग करते जाएंगे हर वरदान के लिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा वरदान, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। मतलब आउटकम क्या है? सदा हर्षित सदा निश्चिंत। और उसका तरीका क्या है? बाप के दिए हुए खजाने को मनन करके।
जिन्होंने पहले से हैंड रेज किए हुए हैं वो फिर से हैंड रेज करेंगे, क्योंकि पहले से जो हैंड रेज लो करके, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि इन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ जी, तो ये वरदान ऐसा है कि ये वरदान तो हर एक को लगना चाहिए कि ये हमारा पर्सनल वरदान है। बाकी सारे वरदान भी पर्सनली ही हैं, लेकिन ये तो विशेष। तो इसको आपने कैसे यूज़ किया है और इसका क्या आपके मन में इंटरप्रिटेशन है, तो आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे? बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। तो कैसे आपने ये वरदान अपने जीवन में प्रयोग में लाया है और निरंतर उन्नति को पाया है? ओम शांति। बाबा ने जब हर मुरली में कहते हैं कि बच्चे कुछ भी हो जाए तो खुशी का खजाना हर वक्त हमेशा रहना है, तो जब भी मेरे मनसा में कोई भी डिप्रेशन में कोई भी जब भी आया तो मन में यही आता है कि बाबा ने कहा कि खुशी नहीं जाना चाहिए तो सदा हर्षित रहना है, तो तब मुझे लगता है कि कोई तो बात है, जो कोई तो बात है मेरे मन में, उन और किसी को कोई दोष नहीं है, मेरे अंदर खुशी जाने के कारण मेरे में ही है, तो तब मैं बाबा का खुशी का वरदान अपने आप में लाता हूँ और उसका कारण ढूंढती हूँ कि मुझे खुशी नहीं गायब नहीं करना है। जी, सुचित्रा बहन आप शेयर कर रहे हैं। ओके, और कौन शेयर करना चाहेंगे? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वरदान है, मतलब मनन करने के वरदान पे तो मनन करना बनता है सबका। तो क्या आपके मन में चल रहा है अभी, बाप का खजाना हमारा खजाना कैसे बनता है? बार बार सुनने से, डायरी में लिखने से, सुनाने से या मनन करने से? ओम शांति भाई जी। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भाव। जैसे कि कोई भी पेपर मेरे सामने आता है तो पहले तो यही सोचते हैं कि मतलब क्या कमी है जो ये पेपर आया है। अच्छा, मान लीजिए, अच्छा मान लीजिए पेपर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में आती है जी, तो क्या करेंगे? तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है, बाबा के मुरली का मनन करना और फिर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ना, मनन करना, मुरली पढ़ना, ये सब फिर तो बहुत आसान है भाई जी, और फिर तो पंख ही लग जाते हैं फिर तो उड़ने में। तो बाबा यही तो चाहते हैं, बाबा ये नहीं चाहते हमेशा प्रॉब्लम्स की बात की जाए जी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर अगर अभी तक हमारा फोकस, एटलीस्ट जो भाई बहन इस ग्रुप में है, अभी तक अगर हमारा फोकस ये है कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है तो हम ये करते हैं, इसका मतलब अभी हमारा फोकस अभी बहुत अलग तरीके से चल रहा है। अब हमें बेहद में सोचना है, आज की मुरली की फर्स्ट सेकंड लाइन ही ये है बेहद, तो या तो हमने कोई बहुत बड़ी और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है उसको हम डिस्कस करें, या प्रॉब्लम नहीं भी है तो क्या एक्सपीरियंसेस हमारे हो सकते हैं, और बाबा ने इस वरदान में किसका एग्जाम्पल दिया है, किसको याद आता है? चलो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ये तो छोटा सा वन वर्ल्ड का आंसर है। इस वरदान में बाबा ने एक मेटाफर यूज किया है, किसका किया है?
किसका उदाहरण दिया है। हाँ जी विष्णु, विष्णु शैया का, शेष शैया का विष्णु जी उस पर लेटे हुए हैं, तो विष्णु जी को तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो मनन करके हर्ष आ रहे हैं, यही तो दिखाया है। तो लाइफ इज ऑलवेज नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड, वैसे हमें नहीं सोचना है, बाबा सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें, ये मौजों का युग भी है। तो मुरली के लिए हमेशा हमें एक पैथोलॉजिकल अप्रोच नहीं लेना है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी उसका हमें यूज़ करना है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब कैसे मुरली हमारे एक्सपीरियंसेस को एनहांस करती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट वरदान पे चलते हैं। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो याद करने की कोशिश करें कि जब हमने ये 4 जुलाई को मुरली पढ़ी, वरदान में क्या डिटेल था, बाबा ने क्या समझाया, उस दिन हमने क्या अभ्यास किया था। अगर अभ्यास किया था तो वो बहुत क्लैरिटी से सामने आ जाएगा। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो पहले तो ये रेटिंग लिखें अपने डायरी में कि सब सर्व प्राप्ति स्वरूप का जो अनुभव है मेरे लाइफ में, वो 1 से लेकर 10 तक मेरी रेटिंग क्या है, कितने संतुष्ट मणि हम हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्या रेटिंग है वो। हाँ जी 7, 6 संतुष्ट, 10, 9, 6 5, 9, 9, 6 7, 5, 9 हाँ जी। तो जो ग्रुप में नहीं भी लिख रहे हैं वो अपनी डायरी में लिख सकते हैं, क्योंकि अपना एक स्वचिंतन का टाइम है, ये हमारा सेल्फ इवेल्युएशन का, सेल्फ असेसमेंट का, स्वदर्शन का। और किसी को कोई एडिशनल इसमें शेयरिंग करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और जो भी आप कहना चाहते हैं, और जो भी आप कहना चाहते हैं वो बहुत टू द पॉइंट, मीनिंगफुल एंड शुड बी यूजफुल फॉर एवरीवन। नेक्स्ट, विजय की उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदों, ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वरदान है, मन से सेवा में भी काम आता है और सेवा का सार भी यही है। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। तो बाबा ने इसके डिटेल में क्या समझाया था या इसको आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, तो किसी का कोई चिंतन है शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि ये बाप का कर्तव्य है सो बच्चों का भी कर्तव्य है, ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करना, होपलेस वर्ल्ड को, होपलेस सोल्स को होपफुल बनाना। How do you do that? कैसे करेंगे हम ये, ना उम्मीदों को उम्मीदों में कैसे परिवर्तन करेंगे। ओम शांति भाई जी, जैसे ज्ञान में कई बार बहुत नई नई आत्माएं आती हैं, और जब बाबा की मुरली सुनती हैं, जैसे हमारे सेंटर पर एक बहन आई थी नई, है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने हमसे एक बार ऐसी बात की, तो हमने बोला कि आप हमारे पास आइए। हमने उनसे जस्ट, मतलब
हमें ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा, हमारे हमारे जो अंदर निश्चय होता है, जो नशा होता है, और जितना हम सरलता से ज्ञान को उठाते हैं और सरलता से इस मार्ग पर चलते हैं, वही और वही अगर हम उनको बताते हैं तो उनकी नाउम्मीद भी उम्मीद में कन्वर्ट हो जाती है और उनके अंदर भी वही निश्चय रहता है कि हम कर सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। जो बाबा कहता है हमेशा लास्ट सो फास्ट, क्योंकि बहुत सी बार उनको दूसरी आत्माएं या कहीं से उन्हें सुनाई देता है कि समय अब बहुत कम है, समय समीप है, तो आत्माएं कई बार नाउम्मीद रहती है शायद हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं। पर जब हम बहुत इजी पुरुषार्थ अगर उन्हें बताते हैं स्वमान, जैसे हमें एग्जांपल हमेशा सूरज भाई का याद आता है कि सूरज भाई जब भी पुरुषार्थ बताते हैं बहुत इजी करके बताते हैं, माना कोई नई आत्मा भी अगर इस ज्ञान में हो तो भी बहुत आगे बढ़ जाए। तो वही सदा हमें लगता है कि जितना आप सरल रहते हैं उतना दूसरों को निश्चय बुद्धि बना सकते हैं। ओम शांति। एग्जैक्टली बाबा इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि आप अगर सैंपल बनोगे तो और आत्माओं का पुरुषार्थ भी सिंपल हो जाएगा। और हम कितने उमंग उत्साह में रहते हैं, हमारी लाइफ खुद एक कितना बड़ा मैसेज है, तो उससे आत्माओं को भरोसा आता है कि हाँ जब ये चेंज हो सकते हैं, इनकी प्रोग्रेस हो सकती है, तो हमारी भी हो सकती है। और मधुबन में जाने से क्यों चेंज आता है कई बार आत्माओं में, क्योंकि वो देखते हैं इतनी हजारों लाखों आत्माएं, इनके जीवन में ये परिवर्तन कितना सहज आ गया। जब इतने हजारों लाखों कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आप सबको ये एक्सपीरियंस होगा मधुबन का कि सबको देखने से वो उम्मीद की किरण जागती है और वो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वरदान लेते हैं। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। और हमें बार बार ये भी स्मृति आती जाए कि भक्ति में तो ऐसा समझते थे कि एक वरदान भी अगर मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन बाबा यहाँ पे आके हमें हर दिन जब से हम बाबा के बच्चे बने, हर दिन ही हमें एक वरदान कम से कम एक तो मिलता ही है, बल्कि तो ज़्यादा ही मिलते हैं डेली। लेकिन वरदान मिलना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बाबा ने उसकी विधियां भी बताई हैं कि कैसे प्रयोग में लेकर आना है। तो उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि वो हमारी स्मृति में कितना है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे मन बुद्धि का ही है। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। तो आपको किसी को याद आया कि बाबा ने क्या एक्सप्लेन किया था, कौन से एग्जाम्पल यूज किए थे, या फिर आपने कैसे प्रयोग किया इसको, या फिर इस वरदान का क्या कनेक्शन है और स्वमान के साथ और धारणाओं के साथ। जी बताएं। बाबा ने इस वरदान में होली हंस बुद्धि के बात कहे थे कि जैसे होली हंस सदा स्वच्छ चीज को ही स्वीकार करता है, कोई सब कुछ मतलब क्लीन क्लियर पानी, दूध और पानी में से दूध को ही ले लेता है, तो वैसा ही हमारे संकल्प में अगर केवल शुद्ध चीज ही जाएगा, शुद्ध कोई अशुद्ध चीज नहीं प्रवेश करने देंगे, तो हमारे उस मतलब संकल्पों पर प्रभाव पड़ता है। उसमें क्या होता है कि हम पवित्र चीज को अगर मैं संकल्पों में रखते हैं, केवल पवित्रता, पवित्र तो सब कुछ क्लीन क्लियर रहता है, संकल्प क्लियर रहता है तो खुशी भी रहती है और सब कुछ सही चलता है। ओम शांति। ओम शांति भाई। बस इसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि जब हमारी बुद्धि अगर देखा जाए तो आज चारों तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है,
और हम सब अपने लौकिक जीवन में चाहे वर्किंग है या आसपास मोहल्ले समाज में रहना उन्हीं के बीच है। तो बाबा कहता है कि बच्चे होली हंस बनो, क्योंकि अगर हम खराब संकल्प को और अच्छे संकल्पों में बाइफर्केट नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे बुद्धि पर असर डालेगा, हमारी वृत्ति खराब होगी, वायुमंडल खराब होगा। तो बाबा जो चाह रहा कि हम अपने वायुमंडल से निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दें तो वो बिल्कुल हो नहीं पाएगा और उनका प्रभाव हम पर पड़ जाएगा। तो बहुत सचेत होकर सतर्क होकर हमें उनके बीच रहकर खराब चीज को अनसुना कर देना है और अच्छी चीजों को ही ग्रहण करना। ओम शांति। जी, अगर हम लास्ट संडे की मुरली को भी मन में लेकर आए, रिवाइज करें, तो बाबा ने बताया था कि संकल्पों का कितना बड़ा महत्व है, संकल्पों से क्या क्या हो सकता है। लेकिन चलते चलते अगर हम भूल जाते हैं ये बात तो उसे हम यूज नहीं कर पाते। फिर से अपने आप को रिमाइंड कराएं कि संकल्पों की शक्ति मेरी बिगेस्ट सुपर पावर है। और बाबा ने कहा था कि संकल्पों से आप कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी बैठी हुई दूर आत्मा को टच कर सकते हो। अपने किसी भी संस्कार को परिवर्तन कर सकते हो। और हमें जीवन में अभी क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, वो हम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग अवर थॉट। और बाबा ने कहा कि संकल्प ही आधार है हमारे बोल का, हमारे कर्मों का। तो आई एम फोकस्ड एंड आई एम कंप्लीटली एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ माई पावर ऑफ थॉट। एक एक संकल्प द्वारा हम अपने आप में शक्ति भरने का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सबसे पावरफुल संकल्पों का खजाना, मुरली का सोर्स हमें मिला हुआ है। तो जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो जो हमारी ब्रेन की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, बीटा से अल्फा, अल्फा से फिर और ऊपर स्टेज, फिर डेल्टा तक हम पहुंच सकते हैं। तो जितने जितने पावरफुल संकल्प होते जाते हैं उनकी स्पीड, उनके नंबर्स कम होते जाते हैं। तो बीटा स्टेट में है, अल्फा में है, गामा, थीटा, डेल्टा किस में है? हाँ जी, रमलेबेन आप शेयर करना चाहते हैं कुछ? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले, ये वरदान ऐसा है जो बहुत बार बार रिपीट नहीं होता है, थोड़ा सा अलग है, अनयूजुअल है। तो जब कोई अलग चीज आती है तो उस पर ध्यान जाता है कि ये क्या वरदान है, डिफरेंट क्या है इसमें, अब बाबा ने क्या बताया है। तो आप में से किसको याद आता है बताइए, बाबा ने क्या कहा उस दिन? सेवा की भावना का अमर फल से माया के रोग से मुक्त होने से क्या कनेक्शन है, बाबा ने क्या कनेक्शन हमें बताया? एक महीना हो गया करीब इस वरदान को हमें सुने हुए, तो कितना याद है अभी? एनीवन?
ओके प्रत्यक्ष फल भविष्य फल जी सेवा की भावना अर्थात निमित्त भाव मैं पन नहीं जहां मैं नहीं वहां माया आ नहीं सकती। ओके बाबा बोल रहे हैं सेवा में बिजी रहो। हाँ जी ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भाव में बाबा ने बताया कि जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल अविनाशी फल सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या लेकिन हीरा बन जाते हो तो यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। ओम शांति। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है और रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं लेकिन तो बार बार अपने खजाने को रिविजिट करते रहना भी जरूरी है कि हमें क्या क्या मिला है। जी नेक्स्ट वरदान पे आते हैं। मतलब सिर्फ वरदानों को ही देखें तो कितनी खुशी होती है कि कमाल है मतलब कितना खजाना बाबा ने दिया है। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत् त्वम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले आज भी बाबा मेले की बात कर रहे थे दुनिया के मेले और ये परमात्मा मिलन मेला जो सिर्फ संगम पे ही होता है तो ऐसे सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत् त्वम के वरदानी बाप समान भव। तो इसका क्या एक्सपीरियंस आप सबका रहा और बाबा ने इसमें क्या समझाया कोई शेयर करना चाहेंगे। जी ओम शांति भाई जी। इसमें बाबा ने बताया कि जैसे कि बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मान करके मिलन मनाने के लिए आते हैं ना हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं ऐसे ही तत्त्वम अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहोगे और इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएगी और सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएगा। ओम शांति। तो सोचिए कि बाबा की लैंग्वेज कमाल की है मतलब इतनी पोइट्री जैसी लैंग्वेज है कि ऐसा लगता है कि एक भी शब्द यहाँ से वहाँ कुछ किया नहीं जा सकता। इसीलिए बाबा के शब्दों को हमें बहुत ही वैल्यू करके बार बार वो रिवाइज होता रहे हमारे मन में भी वो बाबा के शब्द समा जाएं। तो आप सबको कैसा लग रहा है बाबा के वरदान सुन के उसकी डिटेल फिर से रिवाइज करके। कुछ लोगों के लिए रिविजन होगा कुछ लोगों के लिए शायद पहली बार हो जिन्होंने नहीं सुना होगा मिस हो गया होगा किसी रीजन से तो ऐसा है। ओम शांति। जैसे आज की वाणी में था कि बाबा हम बच्चों को देखकर हर्षित हो रहा है और हम बच्चे बाबा को देखकर हर्षित हो रहे हैं तो ये सीन ही कितना अपने आप में जैसे ना जैसे बाबा के समान स्थिति बना रहा है बाबा के वाइब्रेशन हम फील कर रहे हैं और बाबा हमारे संकल्पों को देख रहा है हमारी स्थिति को अनुभव कर पा रहा है तो ये मिलन की अनुभूति यदि हम इसे विजुलाइज भी करें फील करें तो अपने आप में ही जैसे सच में झूला झूल रहे हैं बहुत लाइट फील कर रहे हैं और बाप समान स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आज के वाणी में भी परमात्मा मिलन का हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। बिल्कुल तो सभी मिलन के झूले में झूल ही रहे होंगे तो झूले में झूलते झूलते
बाबा को एक बार धन्यवाद करते हैं और पावरफुल योग करेंगे सभी मिलके। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद
सद ज्ञान सुनाने वाले आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले वरदान लुटाने वाले सद ज्ञान सुनाने वाले। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। तो जब भी कोई वरदान हम सुनते हैं तो हमें उसके हर एक शब्द पे ध्यान देना है कि उनमें आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि अधिकतर तीन चार बातों को मिला के एक वरदान बनता है। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव, तो आपका इसमें क्या रिवीजन है और आपने बाबा ने जब सुनाया था ये तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन था, कौन शेयर करना चाहेंगे? सर्व झमेलों से मुक्त होने का क्या कनेक्शन है संपूर्णता का और संपन्नता का? ओके, बताइए कौन शेयर करना चाहेगा? स्कूल कॉलेजेस में तो एग्जाम 6 मंथ्स बाद होते हैं, 1 ईयर बाद होता है, अभी तो जस्ट 1 मंथ ही हुआ है हमारा। हाँ जी, हाँ जी, अरुण भाई शेयर करें। इसमें बाबा, ओम शांति भाई जी, इसमें बाबा कहना चाहते हैं कि वी हैव टू डिटैच अवर सेल्फ फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। अगर हम वर्ल्डली अफेयर्स से डिटैच होंगे जितना ज्यादा, और जितना ज्यादा बाबा में योग लगाएंगे उतना ज्यादा हम संपूर्ण और बनेंगे। ओम शांति। ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग। इसमें ध्यान आ रहा है कि बाबा, जैसे बाबा की जो स्थिति है संपन्न स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है, जिसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता ना? बाबा कभी पुरुषार्थ की स्थिति में नहीं होता, उनकी नेचुरल स्टेज है संपन्न स्थिति। तो जब हम उस नेचुरल अपनी संपूर्ण और संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं तो सामने कोई झमेला हो, कोई बात हो, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम उससे बिल्कुल डिटैच रहते हैं कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। लेकिन हमारी जो स्टेज है वो उससे बहुत पावरफुल होती है, जैसे बाबा की स्टेज है। हम कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे कि मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सोचना, जो हो रहा है ठीक है, वो कुछ भी संकल्प नहीं चल रहा, वो मेरी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को हम अनुभव करते हैं। तो उसके प्रारब्ध यही है कि हम एक नेचुरल स्टेज की ओर जाने लगते हैं। जी, कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? ओम शांति। बाबा ने ये कहने की कोशिश कर रहे हम सब बच्चों को कि अगर संपूर्ण संपन्न बनना चाहते हैं तो बाबा के साथ प्यार का जो संबंध है, स्नेह का जो संबंध है, उस
फीलिंग को अगर हम हमेशा अपने अंदर रखते हैं तो बाबा से समाये हुए रहते हैं और तब संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध को भी हम अनुभव कर सकते हैं। और बाबा में समा जाना अगर ऐसा स्थिति रहता है तो कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की कोई इच्छा नहीं रहती है, बेहद की वृत्ति में रहते हैं तो बाकी सब झमेला या कुछ भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, उससे हम मुक्त रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी का ही बाबा आंसर जो है वही मेरा भी आंसर है, जो कि बाबा ने भी बताया कि संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं है, गंगा सागर से अलग नहीं है, इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है, तो जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकता है जो समान बनता है। तो समान बनना ही माना कि समा जाना, तो जो सदा स्नेह में समाये रहते हैं वही संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं, उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती, ये बाबा ने बताया। ओम शांति जी। ये बात कितनी डीप है कि जो समान बनते हैं वही मेले का अनुभव कर सकते हैं, मतलब मेले का अनुभव करने के लिए कि ये कंडीशन है कि समान बनेंगे तो ही वो अनुभव कर पाएंगे। नेक्स्ट वरदान है 10 जुलाई का, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। तो एक क्वेश्चन तो इसमें ये हो सकता है कि कर्म और स्थिति में क्या डिफरेंस है, कर्म द्वारा दिखाना और स्थिति द्वारा दिखाना, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज्यादा बेटर है? क्या लगता है? ओके, ओम शांति। कर्म द्वारा हम जब कुछ सेवा मूलक कार्य करते हैं वो होता है हमारा कर्म, तो वो उस कर्म में हम ऐसा करें कि कोई भी कर्म करें जिसमें बाप की फलक और झलक दिखाई दे कि बाबा ऐसा करता था, इसके उस मतलब स्थिति में स्थित होकर हम काम करते हैं तो अपने आप ही वो सेवा सफलता प्राप्त करती है। और कोई शेयर करना चाहेंगे शॉर्ट में? जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जांपल देते हैं कि वो जैसे गोबर के वो बना रहे थे, कंडे बना रहे थे, और ऐसे में कोई वीआईपी आत्मा आई और बाबा ऐसी स्थिति में थे, ऐसी ड्रेस में थे कि सबको लग रहा था कि बाबा उनसे कैसे मिलेंगे, लेकिन बाबा ने कहा बुला लो बच्चे को, मैं उनसे ऐसे ही मिलूंगा। तो वो आत्मा बाबा से मिली, बाबा साधारण रूप में था, साधारण कार्य कर रहा था, लेकिन बाबा की स्थिति से उसे अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ। इतनी असाधारण आत्मा होते हुए भी साधारण कर्म करते है, कर रही है, लेकिन उससे कई आत्मा को अपना जैसे लगा कि हाँ, क्योंकि बाबा ये सोचते थे कि मैं विष्णु बनूंगा, है ना। तो बाबा हमेशा उस नशे में रहते थे, तो जैसी हमारी स्थिति होगी स्वयं के प्रति हम जैसा सोचेंगे तो वही हमसे दूसरों को भी अनुभव होगा और वैसे ही फिर हमारे कर्म भी होंगे। जी, ऐसा कौन सा वरदान है और जो इस वरदान के कनेक्शन में है, और इंग्लिश का एक फ्रेज है वो सिंपल सा, तो वो बताना चाहेंगे वो क्या है? अपने स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाना, तो क्या कह सकते हैं इसको, और कौन सा वरदान है ऐसा सिमिलर? जी, सन शोज फादर।
राइट। ओम शांति भाई जी, बाबा कहते हैं ना जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे, तो ये भी बाबा बोलते हैं ना, तो हमें जैसे इसमें वरदान में तो ये बताया हुआ है कि ब्रह्मा बाबा ने दूसरों को आगे बढ़ाया और शुभ भावना से शुभ संकल्प रख के हर कर्म किया और बच्चों से भी करवाया और बच्चों को आगे रखा, ये बाबा की भावना थी, मैं पहले नहीं पहले बच्चे। और आपने कर्म और स्थिति का जो डिफरेंस पूछा था, कर्म तो हम साधारण स्थिति में भी कर सकते हैं और कर्म हम ऊंची स्थिति में रह के भी कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है स्थिति, हम कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कर्म हम साधारण रूप से करेंगे तो और या फिर हम सेवा समझ के करेंगे, वो हमारी ऊंची स्थिति है। अगर हम सेवा समझ के कर्म करते हैं, बाबा करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑलमोस्ट सबने तो बहुत सारी बातें बताई है, बस इतना ही कहना था कि जो स्थिति होती है। म्यूट हो गए हैं श्वेता बहन, अनम्यूट कीजिएगा। आप फिर से हैंड रेस कर दीजिए। ओम शांति। बस इतना ही कहना था कि जो स्थिति होती है वो हमारा इनपुट है और जो कर्म है वो आउटपुट है, तो जैसा हम इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट अपने आप नजर आएगा। अगर मेरा इनपुट बहुत पावरफुल है तो मेरा कर्म बहुत पावरफुल होगा। जैसे बाबा एक एग्जांपल भी देते हैं कि अगर आप आत्म साक्षी स्थिति में स्थित होते हो तो आपका एक महीने का कार्य आप एक घंटे में कर सकते हो, माना आपकी स्थिति जैसी होगी वैसा ही आपका कर्म आपको नजर आएगा। तो यहाँ बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा कर्म और स्थिति ऐसी हो जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी ना, तो उनकी स्थिति जो अंत में हमने देखी, जो कर्मातीत स्थिति हम कहते हैं, जिसे हम डबल लाइट कहते हैं या फरिश्ता स्थिति कहते हैं, तो बाबा बस यही चाहता है कि हम उसी स्थिति में रहकर, फरिश्तापन की स्थिति में रहकर अगर हम कर्म करते हैं तो हम ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखा सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा जी। तो स्थिति तो सदा रह सकती है, कर्म तो हम कभी कभी करते हैं, तो कह सकते हैं स्थिति वो स्टेज है जिसपे एक्शन का प्ले हो रहा है। स्थिति को वैसे भी स्टेज कह सकते हैं और मेटाफर के रूप में भी स्टेज कह सकते हैं। तो स्थिति की स्टेज पर एक्शन का नृत्य या एक्शन का कर्म हो रहा है। नेक्स्ट वरदान, मालिकपन की स्थिति में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। हम ये भी सोचे हैं कि ऐसी बातें हमें कौन बताता है, तो जैसे गीत भी है ना कि सतयुग में कहाँ मिलेगा बाबा तेरा ऐसा प्यार, कौन हमें वहाँ पढ़ाएगा या किसने हमें पढ़ाया, पूरे कल्प में किसी ने भी इस तरह से तो हमें नहीं बताया। तो ये जो एप्रिसिएशन है ये इमर्ज रूप में हमारे मन में होनी चाहिए हर समय कि कौन हमें ऐसी बातें बताते हैं, कि मालिकपन की स्थिति में स्थित रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले। ऐसे शब्द कहीं सुने ही नहीं होंगे पहले हमने, प्रकृति जीत भव। तो क्या इसका सीक्रेट है, कैसे इसको हम डिकोड कर सकते हैं, बाबा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कौन रिवाइज कराना चाहेंगे सभी को? ओम शांति भाई जी। बाबा यही कहते हैं कि मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। बाबा का कहने का तात्पर्य है कि
कितना भी तूफान आ रहा है या धरती हिलेगी, भूकंप होगा, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों के लिए वह सूली से काटा हो जाएगा, क्योंकि आपने हाथ किसका पकड़ा है, उस मास्टर सर्वशक्तिमान का। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर के प्रकृति के तत्व भी हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन जाएगी। यही बाबा यहाँ कहना चाहते हैं। वैसे विस्तार में बाबा ने भी कहा है कि प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है, चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन जाएगी, और सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनावेगी, और जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा, सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। ओम शांति। जी बिल्कुल, तो बहुत ही एक पावरफुल स्वमान भी है, ये वरदान भी है, मालिकपन की स्थिति। और अगर हम मुरलियों की स्टडी करें तो हमें अक्रॉस द मुरलीज डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर मिलते हैं इसके। कभी हमें देह के मालिक बनना है, कभी संकल्पों के मालिकपन की बात बाबा करते हैं, कभी समय के मालिक, कभी प्रकृति के मालिक, कभी बाबा कहते हैं तीनों लोकों के भी मालिक। ये अपने आप में एक बहुत गहरा अभ्यास है। और बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा बाप का भी जो मूल अभ्यास रहा वो यही रहा, स्वराज्य दरबार लगाकर कि मैं आत्मा मालिक हूँ। जी ओम शांति भाई जी। जिससे आज बाबा ने कहा ना कि तुम भूल जाते हो, ये नशा खत्म हो जाता है तो हम समान से नीचे आ जाते हैं, तो हम अपनी शक्ति को भी भूल जाते कि तुम महात्मा और धर्मात्मा के बच्चे नहीं हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। तो परमात्मा के बच्चे माना मास्टर सर्वशक्तिमान, तो सारी शक्तियां हमारे काम होनी चाहिए, चाहे नक्षत्रों के मालिक, सभी ग्रहों के मालिक, या अपने शरीर की प्रकृति के मालिक, या पूरी प्रकृति के मालिक। तो वो तभी होता हो सकता है जब बाबा ने कई मुरलियों में कहा ना कि जब तुम सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहोगे तो सारी शक्तियां तुम्हारे ऑर्डर मानेंगी, नहीं तो नहीं मानेंगे। थैंक यू ओम शांति। जी थैंक यू। नेक्स्ट वरदान लेते हैं। लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। तो इससे क्या याद आता है कि बाबा ने क्या बताया हमें और कैसे हमने इसको अप्लाई किया है? भाई जी, इसमें बाबा ने कहा है कि हमें अपने आप की इनर स्ट्रेंथ को देखनी, जो हमको बाबा से जो शक्तियां मिली हुई है और जो आत्मा का मूल स्वरूप है उसकी तरफ हमारे को अपने आप को अंदर देखना है और उसी को हमको धारण करना है और उसी को हमको स्ट्रेंथन करना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमारे को और ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस होगा और हम उतने, इसलिए अपनी भूखा है कि ज्ञानी तो आत्मा। ओम शांति। जी, और एक्चुअली देखा जाए तो जब से 7 डेज कोर्स करते हैं हम सभी, तब से हमारा जो पुरुषार्थ का अप्रोच है, डायरेक्शन है, वो पूरा यही है कि जो लौकिक वृत्ति दृष्टि थी वो कैसे ज्ञान के योग के आधार पे अलौकिकता में ट्रांसफॉर्म होती जाए, परिवर्तन होती जाए। ओम शांति भाई जी। एक इसी मंत्र में बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ बताया था कि ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, सिर्फ जानते नहीं है कि बाबा ने ये मतलब जो रट्टा लगा लिया बाबा ने क्या क्या बताया। बाबा कहते ना कि ज्ञान तो छोटे बच्चे भी सुना सकते हैं, लेकिन असली ज्ञान वो है जो हमारा स्वरूप बन जाए। और हमारा ज्ञान ही है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना,
यही हमारा ज्ञान का आधार क्या है, हमारा आत्म अभिमानी स्थिति या अलौकिकता का, अलौकिकता में हर कार्य करना, हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म, तो यही हमने परिवर्तन करना है, वही ज्ञानी तो आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। इस वरदान से सबसे बड़ा जो फायदा होता है भाई जी, वो है कि हमारे दृष्टिकोण बदल जाता है, हम हद से निकल के बेहद में पहुंच जाते हैं, और हमारा हर चीज को देखने का जो दृष्टिकोण होता है, हम लौकिक चीजों को भी, रिचुअल्स को भी अगर देखें, तो हम ज्ञान के हिसाब से अगर उसको कंपेयर करते हैं तो ज्ञान की बहुत सी गहराई उसमें हमको प्राप्त होती है। ओम शांति। ये भी बहुत ही अच्छा शेयर किया, बहुत ही कम शब्दों में, और बहुत अच्छा लगता है जब सभी भाई बहन पार्टिसिपेट करते हैं, अपना मनन चिंतन शेयर करते हैं, तो सभी को सभी के चिंतन से लाभ भी मिलते हैं। ओम शांति भाई जी। शुरू से ही बाबा ने हमारी, जैसे ही बाबा के हम बने, फर्स्ट डे से ही बाबा ने सबसे पहले तो हमारी दृष्टि का परिवर्तन किया ना, और जैसी दृष्टि वैसी ही वृत्ति, कि हमारी दृष्टि जो लौकिक थी, जो अपने आप को देह समझते थे, सबसे पहले बाबा ने हमें आत्मा बनाया, और जैसे ही आत्मा बने तो आत्मा के जो मूल गुण है, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मा के मूल गुण अपने आप ही मर्ज होते हैं, दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, और जब देह देखते हैं तो देह तो विकारी है, देह किससे संबंधित जो भी सब कुछ है वो देह अभिमान सब कुछ इमर्ज होता है। तो इसलिए जितना हम अपनी इस समान में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और कैसी आत्मा हूँ, वो हमारी जो है वो अलौकिकता, जो अलौकिकता है वो हमारे दिव्य गुण है, तो उसका जितना हम अनुभव करते हैं, उसकी अनुभूति में रहते हैं, तो वही ज्ञानी तू आत्मा है। और ज्ञानी का मतलब है समझता, क्योंकि हमें हर पल, हर समय, हर जो कार्य करना है वो इसी अलौकिकता में रहकर ही करना है, और इसी लौकिक को ही हमें अलौकिकता में परिवर्तन करने का हमारा मेन पुरुषार्थ है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो इस ये बहुत ही सुंदर एक्चुअली मेरा मनन चिंतन जो जिस तरह से चला, कि मैंने अपने आप को ही दोनों स्वरूप में रख करके देखा, एक कि मैं लौकिक वृत्ति दृष्टि से किसी चीज को देख रही हूँ, और एक दूसरा अलौकिक। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि आप टी जोन पे खड़े हो, जहाँ तीन रास्ते हैं, एक रास्ता आपको कलयुग की तरफ ले जाता है, एक सत्ययुग की तरफ, और एक परम धाम। तो जब हम लौकिक वृत्ति दृष्टि में हैं, तो उसी सिचुएशन को हम देखते देखते हम जैसे कि बैक जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आगे की दुनिया अलौकिक दुनिया है। तो जब तक हमारी वृत्ति दृष्टि नहीं बदलेगी अलौकिक, जब तक हम उस दुनिया में नहीं जा सकते। तो जब हम, तो ज्ञानी तो वही होगा ना जो आगे बढ़े, नहीं तो फिर तो उसको फिर बाबा महामूर्ख कहते हैं। तो इसीलिए मतलब ये वरदान के अनुसार हम आगे तभी बढ़ेंगे, ज्ञानी तभी बनेंगे, जब हम अलौकिकता से सब कुछ देखें और कर्म करें। ओम शांति। ओके। तो एक इसमें वैसे सिंपल बात है, लेकिन एक बात ये भी है कि जब हम लौकिक में होते हैं तो हमारा जो टाइम फ्रेम होता है, हमारी जो टाइमलाइन होती है चीजों को देखने की, वो सिर्फ इस जन्म तक रहती है। सब कुछ हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं कि जब हमारी एज ये हो जाएगी तो ये कितने काम आएगी चीज, जब हम ओल्ड एज में आएंगे तो ये कितना काम आएगा। लेकिन जैसे ही अलौकिकता का हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तो फिर हम इस जन्म के बियॉन्ड सोचते हैं, ना सिर्फ 21 जन्मों के लिए बल्कि नेक्स्ट 5000 ईयर्स के लिए सोचते हैं। तो ये अपने आप में एक ड्रास्टिक चेंज है, कि कहाँ तो हम एक जन्म के लिए सोच रहे थे, वो भी लिमिटेड, और कहाँ हम 84 बर्थ्स पे क्या इम्पैक्ट है हमारे अभी के थॉट्स का, अभी के एक्शंस का, वो सोच रहे हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि लौकिक दृष्टि में और अलौकिक दृष्टि में क्या चेंज है। नेक्स्ट वरदान लेते हैं, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। तो सर्व शक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा मतलब कि एक माइंड स्वरूप, फिर सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव, तीन बातें हैं इस वरदान में। तो कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ, कुछ बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस लग रहा है थोड़ा, आप कंटिन्यू कीजिए। जी भाई जी, बाबा ने आज इस वरदान में ये वरदान दिया है कि सर्वशक्ति मान, आवाज आ रही है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप चेक कर लीजिए फिर आप शेयर कीजिएगा। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेंगे कि सर्वशक्तिवान के साथ की अनुभूति, सर्व प्राप्तियों का अनुभव और तृप्त आत्मा का अनुभव, ये तीनों में क्या कनेक्शन है? क्योंकि जब हम शेयरिंग कर रहे होते हैं ना, इस बारे में विचार करते हैं और शेयर करते हैं, तब उस कनेक्शन की प्रॉपर एनकोडिंग होती है, और उस पर जब तक हम विचार ही नहीं करेंगे तो वह अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है नॉलेज इज अ फॉरनर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होने से पहले वो नॉलेज होना जरूरी है। तो हाउ डू यू सी दिस कनेक्शन, तीन बातों का, सर्वशक्तिवान के साथ की अनुभूति, सर्व प्राप्तियों का अनुभव और तृप्त आत्मा भव, तीनों बातों में क्या कनेक्शन? ओके, इच्छा मात्र में विद्या, कोई इच्छा नहीं रहती। ओम शांति। जब हमारे साथ हमारा बाबा साथ में है तो सारे बाबा के जो खजाने हैं वो अगर हमारे साथ हैं तो जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता निश्चित है, और जहाँ संतुष्टता है वहां तृप्ति निश्चित है। ओम शांति। जी, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सीधी बात। ओम शांति भाई जी, जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है तो बच्चे मतलब सर्व शक्तियों से भरे हुए हैं, क्यों क्या कैसे कंप्लेंट नहीं करेंगे, और वो सदा कंप्लीट होंगे। और जैसे बाबा से, बाबा ने वरदान दिया है कि हम साथ रहते हैं, साथ चलेंगे भी, तो ये अनुभूति होती है। सर्व खजाने हमें बाबा ने दिए हैं, तो वो कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है, भरपूर होती है, तो कंप्लेंट नहीं करेंगे, कंप्लीट होंगे। कंप्लीट होंगी। ओम शांति। जब अनुभूति होता है कि बाबा मेरा साथ है, तो अंदर से कुछ नहीं चाहता है मन कि बाहर से कुछ हो जाए, तो बाबा को याद करने से एक तृप्ति होता है। ओम शांति। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वरदान बहुत ही इम्पोर्टेंट, परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो इसका अनुभव तो हम सब करते ही रहते हैं, हर दिन ही करते रहते हैं। तो कोई इसमें कुछ एडिशन शेयर करना चाहेगा, बाबा ने इसको कैसे समझाया? बाबा का इसमें क्या एक्स्ट्रा इनपुट रहता है?
ये हम कैसे कर सकते हैं? क्या अपने मन में हम ऐसा पॉइंट लेकर आए ब्रह्मा के ज्ञान का या ओवरऑल की परिस्थितियों की साइड सीन को हम पार कर सकें? जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हमें सोचना है कि इसे ज्ञान नहीं है, रहम आना चाहिए। बाबा को रहम आता था और ड्रामा में सबका एक पार्ट है, यही समझ के हमें पार करना है। ओके तो सर्वशक्तिमान होंगे तो परिस्थितियों को साइड सीन समझेंगे, या साइड सीन समझेंगे तो सर्वशक्तिमान बनेंगे, क्या कनेक्शन होगा? शांति भाई जी, कभी मैंने मुरली में पढ़ा कि साइड सीन बाबा ने पुरुषार्थ की एक कैटेगरी बताई, जो महारथी होंगे वो साइड सीन पे नहीं रुकते हैं और जो घुड़सवार होते हैं वो साइड सीन पर रुकते रहते हैं। तो यानी कि जो मास्टर सर्वशक्तिमान है वो महारथी हैं और वो नहीं रुकेंगे, साइड सीन से घबराएंगे नहीं, ड्रामा है, नथिंग न्यू, ऐसे ज्ञान को यूज करके आगे बढ़ जाएंगे और जो घुड़सवार होंगे वो फिर उसमें अटकेंगे। तो यानी कि वो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हुए फिर ऐसा। ओम शांति जी। ओम शांति भाई जी, जैसे ये स्लोगन है ना, परिस्थिति को साइड सीन समझकर पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हम जब किसी भी परिस्थिति को ना पेपर के रूप में लेते हैं तो हमें वो बड़ी लगती है, भारी लगती है ना, वो परिस्थिति है। परिस्थिति माना बाहर से आई हुई चीज। अब मुझे ये देखना है कि मेरी स्थिति उस पर हावी होती है या वो मेरे ऊपर हावी होती है। तो वो तो बाहर से आई हुई है ना, वो परिस्थिति हमारी रचना है। तो इसलिए जब हम इसको खेल समझकर खेल चलते हैं या साइड सीन समझकर भी चलते हैं, मान लो मैं कोई यात्रा पर हूँ तो मेरे आसपास साइड सीन्स निकल रहे हैं तो मैं उसमें अटकती तो नहीं हूँ ना, तो मेरे को वो मुझे खेल लगता है, मुझे आनंद देती हैं वो चीजें, तो इसलिए वो मुझे हल्का भी करती हैं। तो इसलिए जब मैं इस चीज को साइड सीन, तो मेरे अंदर की सर्व शक्तियां जो होती हैं इमर्ज होती हैं और मैं उसको क्रॉस करने के लिए अपने मुझे मुश्किल नहीं आती है, बहुत इजीली और उसको क्रॉस करती हूँ और मेरे अंदर की जो शक्तियां हैं वो इमर्ज रूप में ही रहती है, वो मतलब नीचे नहीं आती है मेरी स्थिति मन की। तो इस प्रकार हर परिस्थिति को जब हम खेल समझे या साइड सीन समझे जैसे, तो हम अपने आप को माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, अगर उस समय भी हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहा तो हम हर परिस्थिति के ऊपर मात देने के लिए ही डीप में जाते हैं और उसके कारण हमारे को नई नई चीजों का इन्वेंशन भी होती है, नई नई आपको विधियां भी समझ में आती है। तो ये जो आप इसको अगर इम्प्लाय करेंगे अपने जीवन में, तो अनुभव यह आता है कि हर परिस्थिति हमको आगे बढ़ाती है और फिर वो जो अपने को सफलता मिलती है उसमें फिर आनंद बहुत आता है। यह मैंने बिल्कुल कदम कदम पे और जीवन में भी अनुभव किया हुआ है। ओम शांति जी। ओके, लास्ट वरदान ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम सभी बहुत गहराई से भाई जी के साथ योग का अभ्यास करेंगे। तो निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। और आई थिंक अपने आप में ये बहुत अच्छा वरदान है योग के अभ्यास के लिए भी। निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। तो इसी स्थिति में स्थित करते हुए अगले सेशन के लिए, पावरफुल योग के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे
और बाबा के वरदानों का हाथ अपने सर के ऊपर अनुभव करते हुए वरदानों द्वारा सहज जीवन का अनुभव करते हुए योग की सकाश को चारों ओर फैलाने के लिए आगे चलते हैं। Thank you.